नीतीश कुमार अस्वस्थ रहे तो चले जाएं, मोदी जी कहने आ रहे हैं। चिराग मॉडल का उपयोग किया था वो अब सत्ता पर आ गया। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में दो सीटों पर उपचुनाव होना है, गोपालगंज और मोकामा। आज अंतिम चुनाव प्रचार प्रसार होना है, इसी क्रम में तमाम नेताओं का जुटान जो है मोकामा और गोपालगंज में होना शुरू हो गया है। जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह एयरपोर्ट पहुंचे और एयरपोर्ट पहुंचने के बाद जब मीडिया कर्मी उनसे सवाल किया तो उन्होंने झल्लाते हुए कहा कि चिराग पासवान तो शुरू से बीजेपी के लिए जो है प्रचार प्रसार करते आए हैं, ये कोई नई बात नहीं है। और जिस तरह से उन्होंने जनता दल यू को धोखा देने का काम किया था, जनता दल यू के खिलाफ उन्होंने षड्यंत्र रचने का काम चिराग पासवान ने किया था, तो हम लोगों को तो शुरू से पता था। यही नहीं, जब सीएम नीतीश कुमार को लेकर उनसे सवाल किया गया कि क्या सीएम नीतीश कुमार प्रचार प्रसार में जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि क्या मोदी जी चुनाव में आने वाले हैं, क्या नीतीश कुमार इन दिनों अस्वस्थ चल रहे हैं, ऐसे में सबको पता है। सुनवाते हैं आपको कि क्या कुछ कहना है जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का। चिराग पासवान पहले से बीजेपी के साथ रहे, ये तो हम पहले ही बोले हैं कि जो बीजेपी ने 2020 के विधानसभा के चुनाव में चिराग मॉडल का उपयोग किया था वो अब सत्ता पर आ गया, तो ये तो नई बात थोड़ी है, पुरानी बात है। कि कमल खिलेगा मोकामा में खुद, अरे वो कमल खिलावे जो भी खिलाना हो उनको खिलावे, लेकिन वो तो सब दिन से कमल खिलाते रहे। दोनों सीट पर जीतेगा, महागठबंधन दोनों सीट पर चुनाव जीते। नीतीश कुमार जी अस्वस्थ हैं और हम जा रहे हैं ना। नीतीश कुमार जी ने वीडियो जारी किया है, सारी बात उन्होंने कह दी है, इसलिए नीतीश कुमार अस्वस्थ रहे तो चले जाएं, मोदी जी कहने आ रहे हैं। चिराग पासवान पहले से बीजेपी के साथ रहे हैं, ये तो हम पहले ही बोले हैं कि जो बीजेपी ने 2020 के विधानसभा के चुनाव में चिराग मॉडल का उपयोग किया था वो अब सत्ता पर आ गया, तो ये तो नई बात थोड़ी है, पुरानी बात है। कि कमल खिलेगा मोकामा में खुद, अरे वो कमल खिलावे जो भी खिलाना हो उनको खिलावे, लेकिन वो तो सब दिन से कमल खिलाते रहे। दोनों सीट पर जीतेगा, महागठबंधन दोनों सीट पर चुनाव जीते। नीतीश कुमार जी अस्वस्थ हैं और हम जा रहे हैं ना। नीतीश कुमार जी ने वीडियो जारी किया है, सारी बात उन्होंने कह दी है, इसलिए नीतीश कुमार अस्वस्थ रहे तो चले जाएं, मोदी जी कहने आ रहे हैं। तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा है, आपको बता दें कि एक तरफ बीजेपी के प्रत्याशी तो दूसरे तरफ आरजेडी के प्रत्याशी दोनों सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। इसी क्रम में धुआंधार प्रचार प्रसार किया जा रहा है। बीजेपी के तरफ से 40-40 स्टार प्रचारक जो है मैदान में उतार दिया गया है। वहीं अगर आरजेडी की बात करें तो आरजेडी के तरफ से भी कमर कस लिया गया है, तमाम नेता जो हैं अपने तरफ से जी जान लगाए हुए हैं। ललन सिंह भी प्रचार प्रसार में गोपालगंज और मोकामा जाने वाले हैं। मीडियाकर्मी से उन्होंने बातचीत करते हुए स्पष्ट कर दिया कि दोनों सीट आरजेडी जीतने वाली है, लेकिन ये तो चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चल पाएगा। इस पर बस इतना ही, बने रहिए न्यूज फाउंडेशन के साथ। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, धन्यवाद।